रानी ने बताया ना कि मेरी मम्मी बोलती है कि रे मेरी बेटी है वो, मेरी मम्मी ये शो पे ज्यादा आती नहीं थी। तो प्रणाम प्रणाम क्या कह रहा। तो वह बातें बातें चल रही है, वो तो शो अभी नया नया था पूरा बूम पे है ना। हाँ। तो मम्मी को रहा नहीं गया, मम्मी कहती है वो मेरा बेटा है। वो दो लड़कियां कहती नहीं है ऐसे, हम ऐसे नहीं मानते। अच्छा मम्मी को गुस्सा है, मम्मी कहती नंबर लिख फिर उसका। फोन उठाया मैं कहा आप कौन, कहती है आप कपिल बोल रहे हो। नहीं मैं कहा जी कपिल बोल रहा हूँ। तो मैं तो कहती है आपकी मम्मी मिले थे मंदिर में, तो हमने कहा कि नहीं आप झूठ बोल रहे। तो उन्होंने कहा नंबर लो अभी पूछो उससे। उसके बाद एक और इंसिडेंट हुआ, मम्मी गई वैष्णो माता घूमने। अब वहां पे दो लड़के मिल गए, तो मम्मी को मैंने सिखाया था मम्मी मेरा कोई भी नंबर मांगे आपने देना नहीं है। अच्छा मम्मी कहती अच्छा ठीक है अब नहीं दूंगी। फिर लड़का अरे आंटी जी कपिल से बात ही करवा दो आपके। मम्मी कहती है मुझसे कहाँ मिलता है, दो दो साल हम मिलते ही नहीं है।